हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा रोजगार के लिए बाहरी राज्यों का रुख किए हुए हैं। पर्यटन सीजन के दौरान जिला कुल्लू के हजारों युवा गोवा का रुख करते हैं और अप्रैल माह के दौरान वापस कुल्लू मनाली आ जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जिला कुल्लू के हजारों युवा अभी भी बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब युवा वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से भी संपर्क साध रहे हैं। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली में फंसे हुए युवकों से बात की। वन मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके लिए गंभीर है और उनकी उचित देखभाल के लिए वहां की सरकारों से भी बात की गई है। जब तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं होता है तब तक उन्हें उसी स्थान पर ही उचित सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार के चलते प्रदेश के हजारों लोग बाहरी राज्यों में फंसे हैं। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अब अन्य राज्यों की सरकारों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी लोगों को वापस अपने प्रदेश लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से बाहर बहुत से लोग हैं और उनमें स्टूडेंट्स भी हैं और उसके अतिरिक्त और भी बहुत लोग हैं। देखिये, सभी से एक ही बात का निवेदन, हमको इस महामारी से बचने के लिए सबको कुछ ना कुछ समस्या होगी। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो परेशानियां हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ कठोरता हमको मन में तय करनी होगी। और जो प्रदेश के बाहर हैं उन सब की चिंता जयराम ठाकुर जी की सरकार कर रही है। और पिछले कल हमने एक प्रयास किया कि गोवा में हिमाचल के लगभग 1,500 के करीब नौजवान हैं और हमने कल रात्रि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे चर्चा की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी ने एक बात कही कि हमको मालूम है कि हमारे हिमाचल प्रदेश का हित, देश का हित इसी में है कि हमको एक जगह पर रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, हमारे लिए कहीं पर कोई कठिनाई अगर आती है, कोई राशन के संबंध में है, कोई रहने की दिक्कत है या कोई बीमार है, तो उन बातों को आप अच्छे से और अच्छा करें। तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री के नोटिस में भी बात पहले से थी और बात की, और उसके पश्चात हमने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से और गोवा सरकार से भी बात की है और उन सब की वहां पर भरपूर मदद हो, और ऐसा ही प्रयास हम बाकियों से भी करने वाले हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।